हेलो फ्रेंड, हाय फाय। सो मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग अपने शॉप से कर रहा हूँ, बिकॉज़ मैंने दिल्ली में इसकी स्टार्टिंग नहीं कर पाई थी। तो और एक चीज़ जो रह गई थी, मैंने उसके बारे में भी नहीं बता पाया था, क्योंकि उस दिन इतना सारा ट्रैफिक था कि हम लोग इतने टायर्ड हो गए थे कि मैंने ये वीडियो के बीच में बोला है कि मैं एक चीज़ की शॉपिंग करने गया था गफ्फार मार्केट, वो चीज़ मुझे मिली नहीं और उसके बारे में भी मैंने नहीं बोल पाया उस वीडियो में। तो मैं उसकी वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो फाइनली राइट नाउ इट्स 10 इन द मॉर्निंग एंड आई एम ऑल सेट टू लीव रूम टू गो टू मार्केट फॉर बाय सम राइडिंग गियर फॉर मी। अभी मौसम तो वैसे ही है, बादल है, धूप नहीं निकली है, बट अच्छी बात यह है कि बारिश नहीं हो रही है, तो हम बाहर जा पा रहे हैं फाइनली। कल से पहली बार आज बाहर जा रहे हैं मार्केट। कल कोई भी काम नहीं किया, कल का पूरा दिन वेस्ट हो गया, तो आज फाइनली बाहर जा रहे हैं। सो हम अभी निकल चुके हैं कवर बाग के लिए। यहाँ से 18 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, मैप पे सेट कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले हल्की ड्रिजल स्टार्ट हो गई थी, बट अभी पानी बंद हो गया है, सो दोबारा बाइक पे आ गए हैं। तो आई होप पानी ना बरसे, भगवान जी प्लीज़ पानी मत बरसाना, आज सब काम अच्छे अच्छे से हो जाए। और ये बहुत ही लंबा ट्रैफिक जाम, पता नहीं क्यों ये लगा हुआ है, तो बहुत लंबा ट्रैफिक जाम दिख रहा है। ये प्लेन जा रहा है ऊपर से, और ऊपर से एक ये ट्रैफिक जाम। आफ्टर 15 मिनट ऑफ ट्रैफिक जाम हम लोग ट्रैफिक जाम से बाहर आ गए हैं, और पूरा फॉग हो रखा है, बिना सर्दी वाला फॉग। सर्दी नहीं लग रही बट फॉग दिख रहा है, काफ़ी कम विजिबिलिटी है। कल बहुत हैवी रेन हुई थी इसलिए काफ़ी फॉग है, और आज भी वेदर फोरकास्ट बता रहा है कि बारिश के चांसेस 90% हैं, तो कभी भी पानी आना चालू हो सकता है, और फॉग काफ़ी है। तो मैं 3 दिन से इसी रूट पर चला रहा हूँ बाइक, बट आज जो ट्रैफिक मिला वो बहुत ज़्यादा था। 2 आवर ऑफ हैसल, फाइनली हम लोग एक शॉप पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे हेलमेट्स की बहुत अच्छी रेंज है, जैकेट्स की भी बहुत अच्छी रेंज है, बट मेरे को जैकेट चाहिए एंड ग्लव्स चाहिए और राइडिंग बूट्स चाहिए। तो अभी अंकल जी पूजा कर रहे हैं, सो वो फ्री होते हैं वैसे ही हम लोगों को दिखाएंगे फिर राइडिंग बूट और जैकेट। तो शॉपिंग हो गई है डन, ये देख सकते हैं 2 बैग कैरी करा है आशुतोष। ये शॉप है राइडर्स प्लानेट एक्सप्रेस, यहाँ से हमने अभी शॉपिंग राइडिंग जैकेट बूट्स एंड ग्लव्स परचेज किए हैं, बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया है। तो आप भी कभी करोलबाग आएँ तो ये इस शॉप पे आ सकते हैं, एसेसरीज राइडिंग गियर परचेज करने बाइक के रिलेटेड। हेलमेट्स की भी बहुत अच्छी रेंज है इनके पास। तो हमें अभी राजपूत मोटर्स पे आज तो अपनी बाइक में लेमिनेशन करवा रहा है यहाँ पे, बहुत टाइम हो गया यहाँ बैठे बैठे अभी, और थोड़ा सा टैंक पे रह गया है काम, देन उसके बाद हम लोग देखते हैं या तो घर जाएंगे या फिर कहीं और। सो ये राजपूत मोटर, यहाँ पे आज तो उसकी बाइक पे लेमिनेशन हो रही है, और आप देख सकते हैं करोलबाग में कितनी बाइक्स खड़ी हैं जो कि सेकेंड हैंड प्राइस में बिकने के लिए। ये सारी मैंने अभी पूछा भैया से ये बाइक क्यों खड़ी है, तो बोले ये सारी बिकने के लिए खड़ी हैं। पूरे मार्केट में अंदर तक ऐसे ही बाइक्स हैं, इधर भी पीछे भी हर तरफ बाइक्स ही बाइक हैं, सेकंड हैंड बाइक्स। सो करोल बाग से एग्जिट करके हम लोग अभी गफ्फार मार्केट की तरफ जा रहे हैं। मेरे को गफ्फार मार्केट से कुछ शॉपिंग करनी है, एक तो अपने इस कैमरे के लिए माइक लेना है, और मेरे को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ लेनी है, मैं वो आपको वहीं जाके बताता हूँ। तो हमें अभी गफ्फार मार्केट में, और हमें पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हैं रोड्स पे, तो हम लोग अभी पार्किंग ढूंढ रहे हैं। मैं अभी घूम रहा हूँ गफ्फार मार्केट में, एक चीज़ तो मेरे को मिल गई, माइक तो मेरे को मिल गया, बट दूसरी चीज़ अभी तक नहीं मिल रही, उसकी खोज में लगे हुए हैं, तो मिलती है तो बताते हैं। सो फाइनली वी आर लीविंग गफ्फार मार्केट, वो दूसरी चीज़ नहीं मिली, मैं आपको यहीं पर जाके बताता हूँ क्या चाहिए था। अभी सोच रहे हैं कनॉट प्लेस चले जाएं, सिग्नल चालू है, तो वही डिसाइड करेंगे कि
से हमको रूम पे जाना है या फिर कनॉट प्लेस कुछ शॉपिंग करनी है, जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ आपको अपडेट देता हूँ मैं। यहाँ तो आपने ये हनुमान जी की मूर्ति कई नाटकों में देखी होगी, मेरी बहुत दिल से इच्छा थी कि इनके दर्शन के बाद दर्शन हो गए, तो बोलिए जय श्री राम। सो राइट नाउ हम लोग कनॉट प्लेस नहीं जा रहे हैं, हम लोग सीधा घर जा रहे हैं, बिकॉज अभी बज रहे हैं 5:10 और उधर दोस्त को फ़ोन लगाया तो बोल रहा है कि बारिश हो रही है, तो मेरे को पैकिंग भी करनी है जाके क्योंकि मेरे को कल घर निकलना है, तो थोड़ा सा जल्दी चले जाऊंगा तो पैकिंग भी अच्छे से हो जाएगी और वहीं पे रूम पे बैठ के थोड़ा सा गपशप करेंगे सभी दोस्त बैठ के। तो मैंने सोचा आप प्लेस नहीं जाते हैं, सीधा रूम पे जा रहे हैं हम लोग, रास्ते में ही रूम पहुँच के फिर मैं आपसे बात करता हूँ। आसमान में बादल हो रहे हैं एकदम काले, आप बज रहे हैं 5 इतना अंधेरा हो गया है रोड पे, आपको अगर कैमरे में समझ में आ रहा हो तो, और आज हमारे बारिश में भीगने के चांस 100% से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि घर पहुंचने में है अभी बाकी कम से कम 15 और बारिश में गीला होना पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अपडेट देता रहूँगा मैं आपको क्या हुआ रूम पर पहुँच के। वीडियो को आगे देखते रहिए, चमत्कार ये होगा कि हम लोग अगर बिना भूगे रूम पे पहुंच गए तो चमत्कार से कम नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको चमत्कार देखना है तो वीडियो देखते रहिए। और ये रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू, हम लोग अभी आप लोग देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है, आगे तक लोग रुके हुए हैं और बारिश स्पीड में हो रही है, तो हम लोग रुके हैं फ्लाईओवर के नीचे। तो आप ये मेरे पीछे ट्रैफिक जाम देख रहे हैं, ये पिछले 2 से ऐसे कंट्रोल चल रहा है और 2 से हम लोग ट्रैफिक जाम में फंसे थे, फाइनली एक ठेला मिल गया है, इस पर आ रहे हैं बोली दाल मोट कचौड़ी। तो हमने बाइक रोक ली साइड में, ये रही बाइक और ये ठेला हमारे जस्ट रोड साइड पे खड़ा था, तो हम लोग यहाँ रुक गए हैं। और ये पीछे आप देख सकते हैं वाटर लॉगिंग हो गई है और ये साइड में ऐसे ही चलता जा रहा है, और पिछले 2 से हम लोग इस जाम में थे भाई। दिल्ली जाने के मेरे 2 मेन रीज़न थे, फर्स्ट कि मेरे को राइडिंग गियर परचेज़ करने थे जो कि राइडिंग जैकेट बूट्स एंड ग्लव्स, और सेकंड मेरे को अपने लिए एक ड्रोन परचेज़ करना था। तो मैंने गफ्फार मार्केट का काफ़ी नाम सुना था, मैंने सुना था बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया, मैंने सोचा वहाँ पर खुद जाके देख के लेके आऊँगा, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी नहीं मिला मेरे को, सो अब शायद मैं ऑनलाइन ही मंगाऊँ। बस यही था जो सेकंड चीज़ जो मैं वहाँ लेने गया था, माइक तो मेरे को इजीली अवेलेबल हो गया था बट ड्रोन मेरे को कहीं नहीं मिला, मैंने बहुत सारे शॉप्स में ट्राई किया बट ड्रोन मेरे को कहीं नहीं मिला। मैंने बैग जोन मुंबई है एक शॉप मुंबई में, वहाँ पे भी कॉन्टेक्ट किया, वहाँ पे भी ड्रोन अवेलेबल नहीं है। अब पता नहीं, मेरे को ड्रोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज उससे शॉट्स काफ़ी अच्छे आते हैं आप लोग जानते हो, तो इसीलिए मेरे को ड्रोन की ज़्यादा ज़रूरत थी बट वो नहीं मिला। अब देखते हैं, या तो ऑनलाइन मंगाएंगे या फिर कभी दिल्ली दोबारा चक्कर लगा तो वहाँ से लेके आएंगे या कहीं से जुगाड़ करेंगे। तो कल रात को रूम पे आते आते काफ़ी लेट हो गया, अब आप बोलोगे कि 15-16 किलोमीटर करने में तो लेट कैसे हो गया, तो 16 किलोमीटर करने में हमको कल शाम को लगे 4.5 से भी ज़्यादा। मैं अपनी लाइफ के सबसे बड़े ट्रैफिक जाम में फंसा कल, सो दैट्स वाई हम लोग इतने लेट हो गए, और कल मैंने पैकिंग भी नहीं कर पाए। हम लोग 5:30 चले थे वहाँ से करौल बाग से और 9:30 समथिंग घर पे पहुँचे, तो मैंने कोई पैकिंग वगैरह नहीं की, सीधा खाना खा के सो गया। मैं सुबह पैकिंग करूँगा और अभी सुबह के बज रहे हैं 6, मैं उठ गया हूँ और पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया, और ये लास्ट शॉट है इस वीडियो का। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें एंड कमेंट योर थाट्स। So on this note, bye bye, take care, ciao.